हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक अपना रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के बारे में है। पिछले लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसी से मिलता जुलता एक टर्म्स होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम यदि हम यहाँ मान लेते हैं एम डॉट जो है वो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट है, देन आर सी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होती है एम डॉट इंटू आर ई होती है। आदि जो होता है वो क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होता है जो कि किलोजूल पर केजी में होता है, इसलिए हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास जो होता है वो होता है केजी पर सेकेंड में, जो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होता है। इसी प्रकार यदि हम डब्ल्यू इनपुट जो वर्क इनपुट होता है उसको मास से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टर्म जो आती है वो होती है पावर इनपुट। तो पावर इनपुट पी इनपुट इक्वल टू हो गया एम डॉट इंटू वर्क इनपुट। वर्क इनपुट की जो डायमेंशन थी वो थी जूल पर केजी, यानी कि पर कार्य पर मास या पर केजी। तो सीओपी, जैसे कि हम जानते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी सीओपी ऑफ इक्विपमेंट इक्वल टू होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेटर के केस में होता है रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यदि हम दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे एम डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर एम डॉट इंटू आर ई, एम डॉट जो है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट है और आर ई जो है वो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है अपॉन एम डॉट इंटू वर्क इनपुट। एम डॉट इंटू आर ई को लिख सकते हैं हम रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी यानी कि आर सी, और नीचे जो टर्म्स है एम डॉट इंटू वर्क इनपुट इसको लिखा जाता है पावर इनपुट। यानी कि हम सी ओ पी टोटल मिला के सी ओ पी ऑफ रेफ सी ओ पी को लिख सक सी ओ पी को लिखते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, या फिर रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट। यानी कि यहाँ पर ये वर्क है, वर्क को यदि पावर में लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और इफेक्ट को यदि कैपेसिटी में लिखना है तो आरसी में लिखा जाएगा। और यदि आरई और आरसी में रिलेशन निकालना होता है तो आरसी जो होता है एम डॉट इंटू आरई होता है। तो टोटल अपने को फॉर्मूला याद रखना, सीओपी इक्वल टू हो गया रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट। इसकी जो टर्म्स है हमने ये इस चैप्टर में सीओपी के बारे में पढ़ा है। अब हम जानेंगे सीओपी को सिग्निफिकेंस क्या है, सीओपी को क्यों निकालते हैं। तो सीओपी जो होती है किसी भी सिस्टम की, और सीओपी सीओपी रिप्रेजेंट्स द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम फॉर ए गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। जैसे कि कोई भी कैपेसिटी या कोई भी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी फॉर ए गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए अपने क्या करते हैं, सीओपी रनिंग कॉस्ट को शो करती है। इफ ग्रेटर द सीओपी, यदि सीओपी ज्यादा होगी, सीओपी यदि ज्यादा होती है तो लेसर इज द वर्क इनपुट, और लेसर इज द वर्क इनपुट मतलब लोअर द रनिंग कॉस्ट। जैसे कि हम फॉर्मूले से देख सकते हैं सीओपी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी तो अपने की कांस्टेंट है गिवन के लिए, जो अपने को वैल्यू दे रखी है उसके लिए। यदि सीओपी को बढ़ाना है, यदि यदि सीओपी ज्यादा है तो वर्क इनपुट को कम करना पड़ेगा। ये वैल्यू बढ़ेगी तभी तो ये वैल्यू कम होगी। ये वैल्यू कम करना मतलब कंप्रेसर का कार्य कम करना, वर्क इनपुट कम हो रहा मतलब कंप्रेसर अपना कम कार्य करे, यानी कि वर्क एब्जॉर्ब कम करे, अपने को कार्य कम करना पड़े, कार्य कम करना पड़ेगा मतलब कंप्रेसर अपने को लो कैपेसिटी का चाहिए, यानी कि लो कंप्रेसर अपने लो कैपेसिटी का हो, यानी कि उसका रनिंग टाइम भी कम हो जाए। तो इसलिए ये दिखाता है लोअर द रनिंग कॉस्ट, इसलिए अपने को सीओपी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।